बहुत अच्छा सवाल है. व्हाट्स योर नेम? रोहित. रोहित, रोहित इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टनेस एंड राइटनेस. और आप में से जो भी लोग आज और कुछ ना समझ पाए, बस इस सवाल को समझ लें, they'll find that they are acting, behaving in far more intelligent ways. एक अंधा आदमी है जो यहाँ कहीं बैठा हो, अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो उसके पास एक ही तरीका है कि वो अपने पुराने अनुभव के आधार पर या फिर किसी से पूछ के ये रट ले कि कितने कदम आगे बढ़े और फिर परपेंडिकुलर टर्न लिया लेफ्ट और फिर कितने कदम चले तो दरवाज़ा आ गया. ठीक है? एंड दिस फॉर हिम इज द करेक्ट वे. और ये करेक्टेडनेस बदल नहीं सकती क्योंकि दरवाज़ा वहीं पर है, वो भी यहीं पर है और एक ही तरीका हो सकता है उसके लिए बाहर जाने का, ये जो रटा रटाया तरीका है कि अगर ये करना है तो ऐसे ही करना होगा. क्योंकि उसके आँख तो है नहीं, वो ये नहीं कर सकता कि वो इनके बीच से निकल जाए या कूद के निकल जाए, वो नहीं कर पाएगा, या कि पीछे वाले दरवाजे से निकल जाए, नहीं कर पाएगा. उसके आँख नहीं है तो उसके पास मात्र एक तरीका हो सकता है जो उसे किसी ने बता दिया है. Am I right? और वो तरीका भी उसने या तो अपने ही पुराने अनुभव से सीखा है या फिर कोई और बता गया है. इन एनी केस वो तरीका उसके इस मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है. आई अंडरस्टैंडिंग दिस? एक दूसरा आदमी है जिसके आंखें हैं, उसे बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? वो अगर देखेगा कि यहां भीड़ बहुत है और वो दरवाजा खुला है और वहां नहीं है भीड़, तो कहां से निकलेगा? क्या अंधे के पास ये विकल्प है? अंधे के लिए करेक्ट बस एक है. लेकिन जिसके पास आंख है उसके लिए राइट की कोई एक व्याख्या नहीं. उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक जो कुछ उस समय उचित है वही राइट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जिस दिन यहां पर आग लगी होगी उस दिन जिसके पास आंख है वो ये भी कर सकता है कि मैं शीशा तोड़ के भाग जाऊं, पर अंधा जानेगा ही नहीं कि यहां पे और रास्ते भी हैं, चाहे यहां आग लगी हो चाहे न लगी हो. उसके पास एक ही तरीका है ऐसे चलने का. जीवन उसके लिए बस इसी ठर्रे पे चलने का नाम है क्योंकि उसकी अपनी कोई समझ नहीं है, उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है. आई अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं बेकार बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा हूं. सवाल आपके हैं, जीवन आपका है. करेक्ट इतिहास से आता है, करेक्ट दूसरों से आता है, करेक्ट पे लगातार चलते रहना अंधेपन का लक्षण है. राइट मेरी अपनी समझ से आता है. करेक्ट हमेशा एक बंधी बधाई चीज होती है. राइट कभी बंध नहीं सकता. राइट बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं. कभी यहां भीड़ है तो वहां से निकलना राइट है, कभी ये दोनों ही बंद है तो इस बीच वाले दरवाजे पे नॉक करना राइट हो सकता है, कभी आग लगी है तो इसे तोड़ देना भी राइट है. राइट कोई एक चीज नहीं हो सकती. राइट इनफाइनाइट है क्योंकि राइट मेरी उस समय की समझ से निकलता है. ये बात समझ में आ रही है? Yes. और करेक्ट क्या होता है? करेक्ट वो होता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट देन बी सी डी आर ऑलवेज इनकरेक्ट. करेक्ट बस एक चीज होती है, बंधी बधाई चीज, मोरालिटी की तरह, कमांडमेंट की तरह कि सदा सत्य बोलो, सदा हमेशा. करेक्ट एक बंधी बधाई चीज होती है और वो अंधों के ही काम की होती है. राइट पूरी तरह से फ्लूइड होता है, ओपन होता है. देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इन द राइट. की बात आ रही है समझ में? सवाल किसने पूछा था? आ रही है बात समझ में? जीवन करेक्टली जीना चाहते हो या राइटली जीना चाहते हो? लेकिन ऐसा हो रहा नहीं. हम सब करेक्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं. हम राइटली नहीं जीते, हम करेक्टली जीना चाहते हैं और वो सारी करेक्टनेस दूसरे तय करते हैं.
वो सारी करेक्टनेस बाहर की एक भीड़ हमें बताती है। और अगर किसी को करेक्ट बताया जा रहा है तो ये उसका अपमान है। क्यों? क्योंकि करेक्ट बताने का अर्थ है कि मैं मान रहा हूं कि तुम क्या हो, अंधे। अंधे को ही ना बताया जाएगा कि 6 कदम सीधे चल और फिर 4 कदम ऐसे मुड़ जा। जिसके आंख होगी उसे ऐसे बताओगे क्या? मैं तुमसे पूछूं बाहर जाने का रास्ता क्या है तो तुम क्या बोलोगे? या ये बोलोगे 4 कदम यूं और फिर यूं? और अगर मैं वास्तव में इंटेलिजेंस हूं तो मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि बाहर जाने का रास्ता क्या है। क्यों? अरे दिख रहा है, पूछूं क्या? बात आ रही है समझ में? वो सब कुछ जहां तुमने ये मान रखा है कि ऐसे ही करना होता है, समझ लो कि तुम अंधे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वो सब कुछ जहां तुमने मान रखा है कि जीवन ऐसा ही होता है, बस समझ लो कि तुम करेक्टली के फेर में फंस गए हो। वो सब कुछ जहां तुमने ये मान रखा है कि यही करना ठीक होता है ना, हमें यही सिखाया गया कि ये सही है ये गलत है, ये मोरल है ये इमोरल है, बस समझ लो कि तुम करेक्टली के चक्र में फंसे हुए हो।